अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक नई जगह दुबई में कंवल ने डिस्कवर की है। ये है बर्शा साउथ में। मास्क पहन लेता हूँ उससे पहले कि मुझे फाइन पड़े, क्योंकि यहाँ पे रश है। खाने पीने की जगह है। लास्ट एग्जिट की तरह यहाँ पर काफी सारे क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर ट्रक्स हैं और वहाँ पे खाना दस्तयाब है। इस जगह का नाम क्या है वो मुझे पता नहीं है। बर्शा साउथ जगह का नाम, वो तो एरिया है ना। इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम नहीं है। और गाड़ियाँ जिस तरीके से यहाँ पर आ रही है उससे ये लग रहा है कि जगह अच्छी है और खाना अच्छा होगा। लेट मी शो यू। असवाक नाम है जगह का, अल वर्षा साउथ। और गाड़ियाँ जिस तरीके से अंदर जा रही हैं, हैव अ फीलिंग के ड्राइव थ्रू का सीन ज़्यादा है यहाँ पर। थिंक गुड यार। मौसम के हिसाब से आई थिंक ये अभी आने की जगह है। गर्मियों में तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकते होंगे। हम लोग यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए। वैसे तो फिराज का कुनाफा बहुत मशहूर है यहाँ पे, और कंवल को फिराज दिख गया। यहाँ आ जाओ, हम लोग बर्शा साउथ में हैं, जेवीसी के करीब ही है। सदफ कंस्ट्रक्शन दी जा रही है। हम लोग खाना खाने आए हैं यार। इतना अच्छा एरिया है सदफ, यकीन नहीं आ रहा कंवल को ये कैसे निकल गया। अच्छा एरिया। बैठने की जगह नहीं है यहाँ पर किसी भी फूड ट्रक के पास। एक्चुअली दो जगह पर है, एक ये पीछे जगह है बैठने की, ये जगह बैठने की, और एक वो पीछे जगह बैठने की, उसके अलावा ये जगह बैठने की। एक्चुअली आई शुड से कि यहाँ पर है बैठने की जगह, लेकिन गाड़ियों में अक्सर लोग खाना ले लेकर यहाँ से जा रहे हैं। चाट एंड गो जिराड यूके आई डोंट नो व्हाट दिस इज। तो सदफ आ रही है अभी? नहीं आ रही सदफ, तुम नहीं आ रही हो। हाय, so this is the menu. Let's check out the menu. हर चीज़ मुर्गी। बहुत जल्दी डिसाइड भी कर लिया। आई एम गोना हैव चिकन क्रिस्पी बर्गर एंड कंवल इज स्टिल डिसाइडिंग व्हाट शी इज गोना हैव, व्हिच वन। कंवल हैज आल्सो डिसाइडेड टू गो विद चिकन क्रिस्पी बर्गर। भाई वाह, क्या चेयर्स हैं, क्या टेबल है, क्या एस्ट्रे है, और क्या नज़ारा है। दुबई में रह के हालत कुछ ऐसी हो गई है कि इस वक्त हो रहा है 25 डिग्री यहाँ पर, और मैंने ये अपर पहना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जब सर्दियाँ होंगी तो मुझे वाकई में ठंड लगेगी। आई कांट बिलीव कि मैं अफगानिस्तान के अंदर -15 में रह चुका हूँ। खाना आ चुका है और खाना इन्होंने ला के दिया है प्रॉपर पैक करके। आई थिंक यहाँ पे कटलरी वगैरह का अभी तक हिसाब किताब नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। कंवल कह रही थी कि ये इन्होंने सीट इसलिए लगाई हुई है, चेयर और टेबल इसलिए लगाई हुई है कि लोग यहाँ पर बैठें, अपना सामान लें और चले जाएं। मोस्टली ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे गाड़ियाँ अपना खाना ले रही हैं और जा रही हैं फ़ौरन। लेकिन हम लोगों ने बैठने का डिसाइड किया है यहाँ पर कि हम खा कर ही जाएंगे, क्योंकि दूसरी टेबल के ऊपर भी लोग बैठे हुए खा रहे हैं। इसमें खाना आ गया है। कोक लाइट, भले जिंगर बर्गर खाएं आप, उसके साथ कोक लाइट चलनी चाहिए। सॉस नंबर 3 एंड फ्रेंच फ्राइज। मास्क वापस, स्ट्रॉ वापस। पता नहीं कि क्या है इसमें। एक बर्गर होगा और दूसरे में बर्गर होगा। बर्गर छोटे लग रहे हैं मुझे, एटलीस्ट बर्गर छोटे लग रहे हैं मुझे। दिस इज़ द छोटू मोटू सा बर्गर, नन्ना मुन्ना सा। दिस बर्गर इज़ 28 दरम्स का, और ये है 26 दरम्स की। 26 एंड 28 दरम्स। चिकन कैसी है कंवल? चिकन स्ट्रिप्स अच्छी है। बर्गर वाह 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 वाह। बर्गर ॾाढो सुठो आहे, बट आई हैव अ फीलिंग के प्राइस थोड़ी अनजस्ट है बर्गर के हिसाब से, क्योंकि जो टेस्ट है ना, मुझे तो KFC का जिंगर ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाकी जितने भी जिंगर हैं उनमें सारे सेम लगते हैं। बर्गर फ्रेश है, पैटी बहुत फ्रेश है, बन बहुत सॉफ्ट है, एवरीथिंग इज़ गुड। बट आई हैव अ फीलिंग के क्योंकि बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो शायद इसलिए मुझे लग रहा है। बर्गर में कोई बुराई नहीं है, टेस्ट बहुत सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे याद रह जाए। नहीं, जैसे मैंने भी जो एक्सपेक्ट किया था, मैंने पिकल जैसा एक्सपेक्ट किया था। पिकल का भी मुझे याद नहीं है, पिकल का बर्गर भी मुझे याद नहीं है। एवरीवन वेलकम दिस गाय टू द चैनल। I'm eating right now. He came up to me. He's a very good guy. He brought all the food and he asked for my channel. I didn't tell him that I am vlogging, but he, I think, already knew that I make videos. Ridwan, this is the guy. Ridwan, thank you. Thank you very much. Thanks for patronizing us. कोका कोला तू खाना वाना खाकर उठ चुके हैं, फारिग हो गए. नाउ इट्स द टाइम टू लीव दिस एरिया विच इज कॉल्ड असवाक. असवाक. नाउ वी लीव. व्हाट आर यू डूइंग? कितना बड़ा एरिया, जैसे गोल गोल घूमो, देख लो क्या है एरिया. ओके, so technically I am leaving from this place now. Thank you, Ridwan. Take care. Bye. Bye. क्या हो गया, कहाँ घूम रही हो? अच्छा, देख रहे हैं. मैं आपको दिखाता हूँ हम देख क्या रहे हैं, जो कि हम ये देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं. ब्रांड के नाम जानने हैं आपको? मैं ब्रांड के नाम बता देता हूँ आपको. है, बताइए. यार कुछ मीठा देख रही हूँ ना, क्या मसला है तुम्हें? देखो कमल, मुझे पता है तुम घूम फिर के वहीं जाने वाली हो, फिराज की दुकान पे, तो फिर यहाँ क्यों घूम रही हो? क्या कहते हैं यार इसको? कुनाफा. तुम्हें टाइम वेस्ट करना था ना? नहीं, मुझे. हम कहाँ पर है? दुकान पीछे क्या देख रहे हैं आप लोग? फिराज. फिराज जो है वो अरेबिक डेलिकेसीज की फ्रेंचाइज है. यहाँ पे कुनाफा इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स में लग रहा है मुझे. ये है कि फिराज से उठकर वापस आ गए. मुझे लग रहा है कवल ने बहुत ज़्यादा दिल पे ले ली मेरी बात. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मुझे जो कुनाफा नहीं खाना था, इसलिए आई वाज लुकिंग फॉर सम डिफरेंट ऑप्शन. लेकिन ना यहाँ पे बैड सीन है कि मेन्यूज बाहर लगे हुए नहीं है. तो अब मैंने फिर इंस्टाग्राम खोला, मैंने कहा यार मुझे कुछ दिख जाए. तो अब जो है फिर मुझे ये दिख गया कि हाँ इसका मेन्यू अच्छा है. और मुझे बहुत अच्छे से जो है डोनट्स की क्रेविंग हो रही थी. मैंने पाकिस्तान में लास्ट मेरे ख्याल से वो खाए थे, बम्बलोनी जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान में खाए थे मैंने. तो फिर कंवल ने ये वाली जगह ढूंढ ली. इस जगह का नाम है डो यूएई. चलो डोनट देखें. मैंने ये ऑर्डर किए हैं. Bamboloni is very different from donut. So this tea stock. This can try. Okay. It comes 6 times. Yeah. You have 16 packs of donuts for free. How much? 16 packs of donuts for free. Whoa! This is, these are 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Okay. So there's a catch. ये Bambolonis हैं, लेकिन यहाँ पे donuts भी मिलते हैं. डोनट्स की डील बंदे ने अभी ये बताई कि वो कह रहा है कि सिंस यू गाइस आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल गिव यू द लॉयल्टी कार्ड. लॉयल्टी कार्ड में ये है कि वी हैव टू परचेज 6 टाइम्स फ्रॉम किसी भी फ्रेंचाइज, डो की किसी भी फ्रेंचाइज से 6 बार हमें परचेज करनी होगी. फिर उसके बाद 7th टाइम जब हम लोग विजिट करेंगे तो 16 डोनट्स, 16 डोनट्स, 16 डोनट्स फ्री मिलेंगे. ये तो आज का है ना, मीठा थोड़ी हम खा रहे होते हैं. हम खा नहीं रहे होते, लेकिन इट्स अ गुड डील. किसी और को यूज करना हो तो वो भी यूज कर सकता है. आई लाइक पिस्ताचियो बट आई डोंट नो इफ आई लाइक पिस्ताचियो इन दिस. आई थिंक आई विल लाइक दिस मोर बिकॉज़ इट लुक्स लाइक क्रीम कस्टर्ड. हां, इट्स क्रीम कस्टर्ड. आई विल लाइक दिस. वन इज किंडर जॉय. किंडर जॉय तो आप ही. 2 न्यूटेला हैं, 2 क्रीम कस्टर्ड हैं, 1 पिस्ताचियो है. इस तरीके से मुश्किलों से 87 वेट हुआ है मेरा. मेरा भी 7 केजी कम हुआ है यार. कोई बात नहीं, चलता है. 7 केजी कभी कभी चलता है. सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा ये वाला कस्टर्ड क्रीम वाला, दिस वन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, हैप्पीनेस आ रही है तुम्हारे फेस पे. द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि जो अंदर क्रीम है वो बहुत ठंडी है, और जो बाहर का डो है इट्स नॉट दैट ठंडा. वेरी सॉफ्ट, वेरी मॉइस्ट एंड वेरी ऑसम. ओके, यू ऑलरेडी स्टैम्प्ड इट 1 टाइम. ऑसम. आई कैन आइदर हैव 1 कॉफी और 16 डोनट्स. या, आई वुड प्रेफर डोनट्स एज वेल. डोनट साउंड लाइक वाह. या, बट व्हाई यू ऑल टेक द कॉफी? But no, I would prefer donuts because it's coming with 16 donuts. I will eat 16 donuts in like 6 days or something. आया हूँ कुछ तो लेकर जाऊँ. अब क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, बहुत फ्रेंडली होता है. इवन हमारे ऑफिस में जो हमारा को फाउंडर था पुराने मेरे ऑफिस के अंदर एक्सप्लोर डीमस के अंदर, लॉरेंस, ही वाज आल्सो अ वेरी हम्बल वेरी फनी गाय। बड़ा मज़ा आता था उसके साथ भी। कमल कह रही है मेरा फेस इतना पतला लग रहा था वीडियो के अंदर, मैंने कहा अब तो डोनट खा लिया अब क्या होगा, तो कह रही एक दिन से क्या होता है। हाँ, कल से दोबारा डाइट है, कल से दोबारा डाइट, जिम है, जिम क्लास। ओके सो इट्स टाइम फॉर अस टू लीव दिस एरिया। और रिव्यू कुछ ऐसा है कि जो बर्गर था, द बर्गर वाज गुड बट आई वुड से इट वाज नॉट वेरी डिफरेंट देन व्हाट I usually have in other places. The flavor was not very identifiable, if that is a word. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ही जो है ना जूसी बर्गर होगा और बहुत ही सॉसी बर्गर होगा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। बहुत ही ड्राई बर्गर था। ड्राई नहीं था। I liked the burger. But I am just saying के compared with pickle. No, I don't like pickle का burger. KFC तुम्हें तो KFC पसंद है ना? मेरी बात तो सुनो, KFC का मैं बर्गर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि KFC का बर्गर आप कहीं पे भी खा लें, यू कैन से कि दिस इज KFC का बर्गर। उनका एक स्टेटमेंट है, इट वॉज अ गुड बर्गर, बट इनका कोई स्टेटमेंट नहीं था। बट अच्छा था खाना, फ्रेश था खाना, दैट इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। और अगर मैं KFC वाली बात नहीं करूँ कि यार आइडेंटिफाई करना है मुझे इनका टेस्ट, सो आई वुड गिव दिस प्लेस 8 out of 10 बिकॉज इट वॉज गुड, इट वॉज फ्रेश, द बन वॉज सॉफ्ट। फिर उन्होंने मुझे 3 केचअप के साशे दिए बगैर कुछ बोले, और उसमें से सामान एक बचा दिया मैंने। कभी ऐसा नहीं होता कि उस केचअप बचाते। और इसके अलावा हमेशा मांगना पड़ गया केचअप के अलावा। ये जो कवल ने नई जगह ट्राई की डो की, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, और यहाँ पर आने का हमें फायदा हो गया। अगर आप में से किसी को यूज करना है तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, घर जाएंगे और सो जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग। दिस इज सामा सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माई थिंग।